अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू गंभीर। कॉन्ग्रेचुलेशन रिश्ता, पर प्लीज इस बार कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। पिछली बार भी तुम्हारा बॉस तुम पे बहुत मेहरबान था और सबकी कीमत ना हम सबने चुकाई थी, तो प्लीज संभल के रहना। आई न्यू इट। कुछ कहने से पहले मेरे सक्सेस पे टॉन जरूर मारोगे। यहाँ मैं सोच रही थी सबको न्यू कार में घुमाने लेके जाऊंगी, पर ऑब्वियसली इस घर के दुखों से बढ़कर थोड़ी ना है मेरी खुशियां। परेशानियां तो आती जाती रहेंगी और उनका हल भी निकल आएगा, पर आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। आज पहली बार रिश्ता की वजह से इस घर में गाड़ी आई है। चल रिश्ता, आज तेरी गाड़ी में सब बैठकर आइसक्रीम खाकर आते हैं, फिर क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ, पहले आइसक्रीम खाएंगे, बाद में प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, है ना? हाँ, चलो चलो आइसक्रीम खाते। क्या माचिस लेके आ पहले? माचिस? आइसक्रीम खाने जाने के लिए माचिस क्यों? अरे भाभी, ठंड बड़ी हो गई है ना, तो माँ आइसक्रीम पिघला के खाएंगी, है ना माँ? और उसके बाद दुकान को आग भी लगा देंगे, है? क्या जरूरत है उसकी? अब तुम सेठ बन गए, गाड़ी वाले बन गए हैं, हैं? दुकान के बारे में बाद में सोचेंगे, भाड़ में जाए वो प्रॉब्लम। आपसे ही तो सीखा है माँ के मुश्किलों में भी मुस्कुराना कभी नहीं भूलना चाहिए। और उस दिन मैंने कसम भी तो खाई थी कि चाहे खुशी आए या गम, हम तो दिल खोलकर उनका स्वागत करेंगे। तो फिर आज थोड़ा खुश हो लेते हैं ना माँ? माँ तो तू जा खा ले आइसक्रीम, मेरा मन नहीं कर रहा। प्लीज माँ, रिश्ता के लिए। माँ अगर आज हम उसकी खुशियों को नहीं समझेंगे तो कल को वो हमारे दुखों को क्या समझेगी? अरे वाह वाह, क्या कार है शिवा! सुन, ये कार अपनी है, ऋषिता भाभी को ऑफिस से मिली है और हम सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तू भी चल। चलो भाभी, आप भी चलो। ये तो अच्छा है भाभी ने रोक लिया, वरना अब तक इसका कचुंबर बन चुका होता, फिर हम टूटी फूटी गाड़ी में टूटी फूटी खाते। और मैं वही टूटी फूटी कार तुझ पर चढ़ा के तुझे टूटा फूटा बना देती। चलो चलो चलो, आरती करते हैं। क्रिश, पटरानी चल जल्दी गाड़ी निकाल, आइसक्रीम खाने जाना है कि नहीं गाड़ी में? अरे वाह सुमन बहन, कार में आइसक्रीम खाने जा रही हो? ओए, वैसे हमने तो सुना है कि तुम्हारे दुकान में सामान वामान कुछ भी नहीं बचा, ग्राहक खाली हाथ लौट रहे हैं, ऐसे में आइसक्रीम आपके गले के नीचे से उतरेगी? मैं तो कहती हूँ कि आप दुकान ही कार में खोल लीजिए। आइडिया अच्छा है, अब तू मेरी एक बात सुन।
जब मदमस्त हाथी रास्ते पर अपनी चाल चलता है ना, तो आजू बाजू गली के कुत्ते होते हैं, भाव 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 भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें अकल है, वो जानता है उनपे समय बर्बाद नहीं करे। चलो सब इनको टाटा बाय बाय कह दो। समझ गए काकी, बाय। अरे कितनी अमेजिंग कार है भाभी, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो 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 जल्दी बैठो, सब लोग जल्दी बैठो। चाबी देव को दे दे, देव चलाएगा ना गाड़ी। क्यों माँ, गाड़ी तो मेरी है और मैं ट्रीट दे रही हूँ और सारे लोग मेरी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो गाड़ी पे तो मैं ही चलाऊंगी ना। तो अकेली भी तू ही जाएगी ना आइसक्रीम खाने, हैं जाना, क्योंकि मुझे सिर्फ देव की गाड़ी चलाने पे भरोसा है बस। What? माँ पर रिश्ता अच्छी गाड़ी चला लेती है। हाँ माँ, रिश्ता ट्रैक्टर चला के कैसे खंडर से सबको हवेली बचा के लाई थी। टूटा फूटा लेके आई थी सबको, एक महीना लगा सबको है उनके घाव भरने में। नहीं चुप चुप, नहीं मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। अरे ये पटरानी पता नहीं कहाँ दीवार या झाड़ में घुसेड़ देगी गाड़ी। हम नहीं आ रहे, तू जा। जाने दो, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना। लो रिश्ता, तू देव के बाजू में आगे बैठ जा। अपश्वर अभिकृष सब साथ में। हेलो हेलो, जगह तो भर गई पर कोई बात नहीं, हम सब गोद में बैठ जाएंगे, है ना? यूजलेस। ओ तुझे पता है ना, अपना इतना बड़ा परिवार है तो तेरे बॉस को बोलना चाहिए था बड़ा वैन जैसा दे दे, बड़ी गाड़ी ही दे दे। माँ फैमिली पिकनिक के लिए तो कार नहीं दी है ना, ऑफिस पे आने जाने के लिए दी, तो एडजस्ट करते हैं ना। आ जाओ आ जाओ, एडजस्ट कर लेंगे। अरे इसमें एडजस्ट करने की क्या बात है, दूसरा राउंड लगा लेंगे, है ना? अब शिवा अभी एक काम करो, तुम लोग आ जाओ, हम लोग बाद में चले जाएंगे। चलो। अरे नहीं नहीं, बाद में आने की जरूरत नहीं है, मैं और शिवा बाद में आ जाएंगे, है ना शिवा? तेरे सपने में। हाँ ठीक है, ये भी सही है, हम आते हैं। मेरे को जाना था। ना हट्टा कट्टा मोटा ताजा, मैं हट्टा कट्टा मोटा हिसाब से आप हाथी और वो डायनासोर। ये तो भैंस की बात आ गई। तू नहीं, लेकिन तेरी अकल तो मोटी है ना, समझता ही नहीं है। अब क्या गाड़ी में जाने का वेट करता रहेगा, जानो। अलोन टाइम। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? पैसा लगेगा, 500 रुपया। तो रिश्वत मांग रहा है? कैसी बातें कर रही है आप, एक भाभी अपने बेटे समान देव को पैसे दे रही है और आप उसको रिश्वत बोल रहे? राम राम। ठीक है 200 रुपए ले ले, बात तो 500 की हुई थी। बताओ अभी। जा रहा हूँ, दे दो। कर, जा। Enjoy. जय सोमनाथ। हसमुख भाई, वो माल के लिए ना कैश तैयार है, अगर आज पॉसिबल है तो मुझे बताओ, मैं लगे हाथ पहुंचता हूँ। जय सोमनाथ। जिसको फोन करो एक ही जवाब दे रहा है, या माल का भाव ज्यादा बता रहा है या बोलता है माल ही नहीं है। पक्का ये टमाटर सेठ को झोल कर रहा है, सॉलिड लंका लग गई है। पटरानी, तेरे बॉस ने तुझे गाड़ी दी तो क्या अब घर भी देगा? क्या पता माँ, दे भी सकता है।
और माँ अगर घर दे भी दिया तो हम सब परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ ये पटरानी पर हमको ले जाएगी क्या? बोल। जो चीज होने नहीं वाली है उसके बारे में बात करके अभी क्या मतलब है? ठीक है उसके बारे में बात करते हैं, जो हो रहा है। मेरा देव क्या गाड़ी चला रहा है मक्खन की तरह है, ऐसे लगता है जैसे हवाई जहाज में बैठे हैं। वो सब तो ठीक है माँ, पर आप कब बैठी हवाई जहाज में? तेरा बाप सेठ बना ना, उससे पहले हमारी दुकान थी। वो ले गए थे मुझे प्लेन में कलकत्ता, देने के लिए गाड़ी भी दे देते, पर हमारे चार बच्चे थे ना, उनका पालन पोषण है वो सब में हमने हमारी इच्छा साइड प्लीज कर दी थी। माँ ये गाड़ी भी तो पापा की है ना, तो एक काम करे पापा का फेवरेट गाना बजाते हैं। आप बताओ ना पापा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कहने दो, तुम लोग बजाओ, तुम्हारे ढिंग चिंग बनाओ। चल छोटी बजा अपना ढिंचैक।